हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपका चैनल सप्तर्षि में। मैं आपका दोस्त हिमांशु। पिछले वीडियो में हमने रोटेशन के बारे में कुछ चीजें समझी थी, मोमेंटम इनर्शिया निकाला था, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ी थी, डिफरेंट शेप्स का मोमेंटम इनर्शिया कैसे निकालते हैं ये हमने डिटेल में सीखा था, और पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी पढ़ी थी, उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के बारे में हम समझेंगे क्या होता है रोलिंग मोशन। एक व्हील जब रोल करता है तो अलग अलग पॉइंट की क्या वेलोसिटीज होती है, और एक रोलिंग मोशन को हम फिजिकली कैसे समझ सकते हैं। दो तीन तरीके हैं जिनको यूज करके हम इसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि रोलिंग होती है तो क्या होता है अलग अलग पार्टिकल्स का, और फिर रोलिंग की में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो भी निकालेंगे, और रोलिंग होती कैसे है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रोलिंग की बात हो रही है, तो रोलिंग बच्चों क्या होता है समझो। जैसे आपने कोई रिंग ली और उसको मेज पे ऐसे लुढ़का दिया तो वो रोल करती हुई जाएगी। प्योर रोलिंग जो होती है, अगर ये टेबल है तो इसके ऊपर अगर कोई रिंग है तो वो रोल करती हुई ऐसे इस पे रोल करते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, प्योर रोलिंग में इस पॉइंट पे ना स्लिपिंग होनी चाहिए ना स्किडिंग होनी चाहिए, यानी इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट शुड बी इन रेस्ट। रेस्ट में होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, नो स्लिपिंग फॉरवर्ड या एंड नो स्लिपिंग बैकवर्ड, ना आगे की तरफ स्लिपिंग होनी चाहिए ना फॉरवर्ड स्लिपिंग। बताता हूं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्लिपिंग क्या होती है डिटेल में। कहने का मतलब है कि ये पॉइंट रगड़ना नहीं चाहिए, ये जब कोई चीज रोल करती है, जैसे ये रोल हो रहा है, अब ये ऐसे ऐसे करके प्रॉपरली रोल करता हुआ जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे करके एक ही जगह पे रोल हो तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये इट इज नॉट मूविंग अहेड। और एक होती बैकवर्ड स्लिपिंग, जिसमें कि रोल तो कर रहा है लेकिन रोल स्लो स्लो कर रहा है लेकिन आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए ये, देखिए ये ऐसे रोल कर रहा है लेकिन आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग, सॉरी बैकवर्ड स्लिपिंग। और एक में होता रोल तेज करता जा रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा, तो वो फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है। तो दो तरह की स्लिपिंग जहां पे नहीं होगी वो होगा हमारा प्योर रोलिंग। अब रोलिंग में क्या क्या चीजें होती है गौर से देखिए। अगर ये बड़ा बना देते हैं इसी फिगर को, पहले कौन से समझते हैं, ये एक व्हील है, ठीक, इसमें इस पॉइंट को देखिए, ठीक है। ये व्हील जब ये रोटेट होगा तो कैसे बनेगा, ये एक व्हील आ गया और ये सेम व्हील है जो रोटेट हो रहा था ऐसे, ठीक। ये पॉइंट था, ये रोटेट होते होते आगे बढ़ा व्हील और ये पॉइंट पहुंच गया आपका यहां, और फिर और रोटेट होते पॉइंट यहां पहुंच गया। तो इस पॉइंट की जो इस व्हील के ऊपर पॉइंट है, इसका जर्नी ऐसे करके है और फिर ये ऐसे ही ऊपर जाएगा, जब ये और आगे रोल होगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इतना समझ में आ रहा है, ये ऐसे करके मूव हो रहा है, ये है रोलिंग, ये वाला पॉइंट और ये सेंटर वाला पॉइंट है, वो कैसे जा रहा है, सेंटर वाला पॉइंट का जो अगर पाथ ट्रेवर्स करें तो ये स्ट्रेट चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो दो चीजें समझ में आई, पहली चीज टॉप का पॉइंट इस तरह का ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है और सेंटर का पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है। नाउ अगर हम समझे रोलिंग को गौर से, तो रोलिंग को हम समझ सकते हैं, समझाते हैं रोलिंग इज अ
combination of rotation and translation. Rotation plus translation equals to rolling. कैसे होता है समझाता हूँ. इस फिगर को बना लीजिए अपने कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ये मैं डिलीट कर देता हूं, ये पॉइंट आपने नोट कर लिए. रोटेशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो इस पॉइंट को मान लेते हैं पी. अगर कोई डिस्क रोटेट कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो पॉइंट पी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहां पर एंगुलर लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आर ओमेगा इस पॉइंट की. ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट की भी वही होगी, इस पॉइंट की भी वही होगी. यहां पे ये होगा, यहां पे भी वी होगी, और यहां पे इस डायरेक्शन सब ये लगेगा रोटेशन होगा, तो ये इधर जा रही होगी और यहाँ पे इस डायरेक्शन होगी आर ओमेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे वी इक्वल्स टू आर ओमेगा है फॉरवर्ड, ये भी आर ओमेगा है और ये भी आर ओमेगा है. ठीक, और ये जो पॉइंट है सेंटर, इसकी कोई वेलोसिटी होगी? जब ये व्हील अगर इस एक्सिस के क्रॉस रोटेट कर रहा है तो सेंटर की क्या वेलोसिटी होगी? कोई वेलोसिटी नहीं है, वैसे रोटेट करता जा रहा है, कोई वेलोसिटी नहीं. यहां पे लीनियर वेलोसिटी की बात करें, ये इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा होगी. ओमेगा लिखना भूल गया. ठीक, इस पॉइंट की भी आर ओमेगा होगी, इस पॉइंट की भी, हर पेरिफेरल पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा होगी क्योंकि ओमेगा से रोटेट कर रहा है. ठीक, इतना क्लियर है? ये तो हो गया प्योर रोटेशन. अब अगर ट्रांसलेशन मोशन की बात करें तो रोलिंग में क्या होता है? रोलिंग में होता है कि ये पॉइंट मूव करता है, ये पॉइंट भी मूव करता है, ये पॉइंट भी मूव करता है. अब एक ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं, जहां पे हम सेकंड केस में आए हैं, ये वाला केस, तो ये व्हील ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है. कैसे कर रहा है बताते हैं. यहां पर फिर से एक व्हील यही बनाते हैं, इसमें तीन पॉइंट रखते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चार पॉइंट है. ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर. ठीक, ये इसका सेंटर, ये रोटेशन ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये रेडियस आर है. तो ये पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? ये रोलिंग हो रही है. ठीक है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? आर ओमेगा. थोड़ी देर बाद ये रोल करके यहां पहुंच गया, और ये वाला पॉइंट जो था ये थ्री है, ये वाला पॉइंट फोर हो गया, ये वाला पॉइंट टू है, ये वाला पॉइंट वन है. थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच गया, ये वाला पॉइंट टू हो गया, ये वाला पॉइंट थ्री हो गया, यहां पे पॉइंट फोर आ गया, यहां पे पॉइंट वन आ गया, और थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच गया, यहां पे फोर, यहां पे थ्री, यहां पे टू, यहां पे वन. इस पॉइंट पे व्हील की वेलोसिटी कितनी रही होगी? आर ओमेगा. तो ये जो डिस्टेंस कवर किया, वन टू थ्री फोर, फोर पॉइंट यहां पे टच हो रहा था और यहां पे वन पॉइंट नंबर वन टच हो रहा है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस कवर किया ये कितना होगा? ये इतना ही होगा, वन से लेके फोर तक का जो डिस्टेंस है. नो स्किडिंग, नो स्लिपिंग, नो स्किडिंग फॉरवर्ड, नो स्लिपिंग फॉरवर्ड, नो स्लिपिंग बैकवर्ड. तो ये जो डिस्टेंस है ये उतना ही होगा जितना ये डिस्टेंस है. व्हील रोटेट हुआ, मैंने फिगर बड़ा करके बना दिया, आप इस छोटी ही जगह अलग अलग व्हील दिखाने के लिए ऐसा किया है. तो यहां पे जो पॉइंट होगा
जो पीछे चलता चला गया जिस स्पीड से मूव किया है वो लीनियर स्पीड आर ओमेगा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी किस स्पीड से ट्रेवल किया, आर ओमेगा से। तो इसका मतलब व्हील जो है ये मूव जो कर रहा है व्हील ये किस स्पीड से आगे मूव कर रहा है, आर ओमेगा से। कैसे बताते हैं, मान लो कि ये 1 2 3 4 चार सेकंड में मूव किया, 1 से 4 से 3 आया, 3 से 2 आया, 2 से 7, चार सेकंड लगे, चार सेकंड में इसने डिस्टेंस मूव कर लिया, कितना मूव किया जैसे इतना मूव कर लिया, ये थीटा था तो कितना मूव कर लिया होगा इसने, आर थीटा मूव कर लिया होगा। ठीक, टाइम टी लगा होगा टी सेकंड में, तो वेलोसिटी कितनी होगी, आर थीटा अपॉन टी, यही तो हो गई। तो ये जो सेंटर वो भी आर ओमेगा से मूव कर रहा है, और जो टॉप का पॉइंट है ये भी, टॉप का पॉइंट मतलब व्हील के ऊपर का पॉइंट तो रोटेट हो रहा है जैसे यहां पे देखा था, लेकिन अगर यहां पे मैं कोई इंसान किसी इस पॉइंट इस जगह को देख रहा है तो ये टॉप भी आर ओमेगा से मूव कर रहा है, सेंटर भी आर ओमेगा से मूव कर रहा है, और बॉटम भी आर ओमेगा से इधर मूव कर रहा है, क्योंकि व्हील रोटेट करते हुए जा रहा है ना। ठीक, बिल्कुल सही। अब ये जब रोटेट करते हुए जा रहा है, देखो इसके सारे पॉइंट्स तो रोटेट हो रहे हैं, लेकिन अगर पॉइंट्स पे आप देखो तो बॉटम का पॉइंट अपने आप आर ओमेगा से मूव कर रहा है, ऊपर का पॉइंट भी आर ओमेगा से ही मूव कर रहा है। तो जो सारे पॉइंट्स हैं उनकी स्पीड आर ओमेगा ही है ऐसे इधर, तो ये जो होगा ट्रांसलेशन मोशन है इसमें, इस पॉइंट की स्पीड भी आर ओमेगा, सेंटर की भी आर ओमेगा, और बॉटम की भी आर ओमेगा। अब इन दोनों को जोड़ लो तो टॉप पॉइंट की आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा कितनी हो गई, 2 आर ओमेगा, आर स्मॉल है, सेंटर पॉइंट की कितनी होगी आर ओमेगा, और यहां पे 0 था तो इस डायरेक्शन में कितनी होगी आर ओमेगा, और सबसे बॉटम पॉइंट की क्या है आर ओमेगा इधर और आर ओमेगा इधर, नेट नेट हो गई 0। ठीक है, तो रोलिंग में बॉटम पॉइंट की स्पीड 0 होती है, सेंटर ऑफ व्हील की स्पीड आर ओमेगा होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट की 2 आर ओमेगा होती है। इसको ऐसे भी समझो कि अगर ये व्हील है तो ऐसे हो रहा है ना, ये ऐसे तो ऊपर का ज्यादा मूव कर रहा है, नीचे का कम, और बॉटम वाला तो बिल्कुल नहीं मूव हो रहा, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट इधर निकल जाता है और ये वाला दूसरा पॉइंट आ जाता है, लेकिन रोलिंग तो ऐसे ही हो रही है ना ऐसे। ठीक है, तो इसलिए ये 2 आर ओमेगा या आर ओमेगा, अब ये 0 होता है। समझ में आया थोड़ा बहुत, फिर से समझाता हूं। व्हील जब रोल होता है तो उसमें दो मोशंस होते हैं, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कर रहा होता है आर ओमेगा से, पूरा व्हील आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, और रोलिंग कर रहा होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसमें एंगुलर वेलोसिटी और ट्रांसलेशन वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होती है फॉरवर्ड, अगर ऐसे रोल कर रहा है तो फॉरवर्ड, तो इसलिए आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा जोड़ के 2 आर ओमेगा हो जाती है। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसमें एंगुलर वेलोसिटी तो इधर को होती है लेकिन ट्रांसलेशन इधर को होती है, और दोनों आर ओमेगा होती है तो कैंसिल करके 0 हो जाती है। और जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ व्हील होता है, उसमें रोटेशनल तो 0 होती है क्योंकि आर ही 0 है, ठीक है, सेंटर पे है, और ट्रांसलेशन आर ओमेगा होती है, आर ओमेगा आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो टोटल मिलाकर के आर ओमेगा से वो सेंटर ऑफ व्हील आगे की तरफ बढ़ता है। समझ में आया। तो अब इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये समझ में आ गया, सो नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, रोलिंग इज दिख रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन का कॉम्बिनेशन होता है रोलिंग, ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी भी वैसे ही निकलेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, उदय इसको बाद में करते हैं, पहले इसको एक और चीज समझते हैं। इसको बाद में करेंगे बच्चों, बस 5 मिनट के बाद। पहले रोलिंग मोशन में एक और चीज समझते हैं। क्या समझना था? रोलिंग अभी हमने बताया, रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। अब एक और चीज समझते हैं रोलिंग क्या होती है। अगर ये मेरा व्हील है जो ये रोल कर रहा है, तो इसके हर पॉइंट की, अभी तो हमने निकाली थी वेलोसिटी टॉप सेंटर और बॉटम की, अब देखो जब ये रोल कर रहा होगा तो ये इधर भाग रहा होगा, 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 ये बेसिकली ऐसे रोटेट कर रहा है। अगर मैं इस एक्सिस को मान लू, ये मेरी एक्सिस है, तो व्हील बेसिकली इस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रहा, बट दिस एक्सिस इज ऑल्सो मूविंग, दिस एक्सिस इज मूविंग एंड व्हील इज रोटेटिंग अक्रॉस दिस एक्सिस। गौर से देखो, ये व्हील है, तो अगर व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करे तो ऐसे ऐसे घूमेगा इसके चारों तरफ, लेकिन अगर ये एक्सिस में मूव कराता रहूं तो व्हील क्या होगा, प्योर रोलिंग हो जाएगी। अगर इस एक्सिस के अक्रॉस व्हील रोटेट करता है और मैं एक्सिस को मूव कराता हूं तो प्योर रोलिंग हो गई। दूसरी तरीके से भी समझो कि रोलिंग इज रोटेशन अक्रॉस एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड मूविंग अहेड विथ वेलोसिटी आर ओमेगा, आर ओमेगा से आगे बढ़ रही है और इसके अक्रॉस व्हील रोटेट कर रहा है। ठीक, ये दो तरीके हो गए रोलिंग को समझने के। अब इसका एक छोटा सा प्रूफ भी करता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से अलग अलग तरीके से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर देखते क्या है, ठीक है। अब निकालते हैं हम इसकी काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इस मॉडल से चलते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इसमें बता, इस मॉडल के हिसाब से एक्सिस जो है वो मूव कर रही है और व्हील उसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सिस मूव कर रही है तो एक्सिस की काइनेटिक एनर्जी तो कुछ नहीं होगी, व्हील रोटेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग व्हील इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितनी होगी, इस एक्सिस के अक्रॉस आई निकालना है ना कि इसके अक्रॉस, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कुछ आता है फाइनल एक्सिस थ्योरम, ये आई एक्सिस ले लेते हैं, ये वाली यहां पे एक्सिस, ठीक है। कितना हो जाएगा, आई ए इक्वल्स टू, इसका पता है आपको, एम आर स्क्वायर, ये व्हील है तो एम आर स्क्वायर होगा, तो आई सी एम प्लस एम इंटू एच, ये डिस्टेंस एच है स्क्वायर, ये कितना हो गया एम आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, कर गया इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। ये तो तब तक हमने इस तरीके से ये मॉडल समझा है, इस मॉडल को लेकर चले, अगर हम इसको इस मॉडल को लेकर चलते तब भी हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हमें यही निकालनी चाहिए। और हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं, रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, ठीक है। रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। आई कितना होता है, व्हील का एम आर स्क्वायर,
एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी, एम वी कितना होगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा था, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही आ गई। यहां भी यही आई थी, दोनों सेम है, ठीक है, समझ में आया। रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि रोलिंग इज अ रोटेशन मोशन विद द एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ आर ओमेगा, ठीक है, समझ में आया। ओके बच्चों, तो अब थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है रोलिंग मोशन की। टॉर्क हमने समझ लिया था, मोमेंटम इनर्शिया समझ लिया, एंगुलर मोमेंटम समझ लिया, कंजर्वेशन समझ लिया, काइनेटिक एनर्जी समझ लिया, काफी सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। अब अगले दो वीडियोस में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आप ऐसे वर्मा के सारे क्वेश्चन ट्राई करिए जो समझ में नहीं आया कमेंट में पूछे, क्योंकि मैं ऐसे वर्मा के काफी सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। उसके अलावा जो मुझे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो वो भी मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करिए और जो क्वेश्चन समझ में आए वो मुझसे पूछिए। धन्यवाद।